नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की लातूर लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा के डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बनसोड़े दत्तात्रेय गुंडेराव को 2,53,395 वोटों से हराया था। डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ को 6,16,509 वोट मिले, तो वहीं बनसोड़े दत्तात्रेय गुंडेराव को 36,114 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। महाराष्ट्र के दक्षिण सिरे में स्थित लातूर एक ऐतिहासिक स्थल है। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचगंगा नदी के तट पर बसे इस जिले में भारतीय पुराणों में वर्णित देवी महालक्ष्मी का मंदिर है, जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मूल नगर को राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने विकसित किया था, लेकिन वर्तमान नगर को बसाने का श्रेय छत्रपति साहू महाराज को जाता है। कुछ वक्त पहले लातूर सूखे की चपेट में था और गंभीर पानी की किल्लत सह रहा था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को संजोए लातूर की जनसंख्या 24,40,559 थी, जिसमें से 73% लोग गाँव में और 26% लोग शहरों में निवास करते हैं। यह 19% लोग SC और 2% लोग ST वर्ग के हैं। किसानों की समस्या से जूझ रहे लातूर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। इस संसदीय क्षेत्र में पहला आम चुनाव 1962 में हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। उसका राज यहां पर 71 तक रहा। 1977 का चुनाव यहां पर पीसेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने जीता था। हालांकि 1980 में यहां पर कांग्रेस की वापसी हुई और तब से लेकर 99 तक यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा। साल 2004 का चुनाव यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता, लेकिन साल 2009 में ये सीट फिर से कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन साल 2014 में पंजे को एक बार फिर कमल से शिकस्त मिली और डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 97% रही है। इस दौरान उन्होंने 40 डिबेट में हिस्सा लिया है और 640 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर बसपा और नंबर 4 पर आप थी। उस साल यहां मतदाताओं की कुल संख्या 16,82,607 थी, जिसमें से मात्र 10,57,156 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 5,78,053 और महिलाओं की संख्या 4,79,103 थी। लंबे वक्त से लातूर की सीट पर राज करने वाली कांग्रेस आज यहां जीत के लिए तरस रही है। हालांकि भाजपा के डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ को यहां जीतने में मोदी लहर का फायदा मिला, लेकिन क्या इस बार यहां पर बीजेपी का जादू चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वापसी डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ के उन कामों पर भी निर्भर होगी, जो कि विकास के नाम पर उन्होंने यहां पर किया है। साथ ही यहां CM फडणवीस फैक्टर भी शामिल होगा, जिनकी सरकार इस वक्त राज्य में है। वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश इस सीट को जीतने की होगी। देखते हैं सूखे से ग्रसित हो चुकी लातूर की जनता इस बार किसे अपना सरताज बनाती है।